स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जिला चिकित्सालय में कोविड 19 आईसीयू और आधुनिक पैथोलॉजी लैब का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं और संसाधनों का विस्तार किया जाएगा। कोविड 19 आईसीयू और आधुनिक लैब के लोकार्पण अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा, अब गंभीर मरीजों का जिला चिकित्सालय में ही उपचार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक पैथोलॉजी लैब बन जाने से अब सभी टेस्ट जिला चिकित्सालय में ही किए जा सकेंगे। लोगों को टेस्ट कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक मशीन से एक घंटे में 400 टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह अत्याधुनिक पैथोलॉजी मशीन जिला चिकित्सालय के अलावा केवल हमीदिया अस्पताल में ही है। गैरतगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल बनाया जाएगा। इसके साथ ही सांची और देवनगर में डिजिटल एक्सरे मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा, सांचेत और खरबई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 बेड पर सेंट्रल ऑक्सीजन की व्यवस्था है, जिससे कि गंभीर स्थिति में मरीजों का वहीं पर उपचार किया जा सके। जिले के 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित प्रदेश के 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से एम्स से जोड़ा जाएगा, जिससे मरीजों को एम्स के विशेषज्ञों चिकित्सकों से उपचार हेतु परामर्श प्राप्त हो सके। जब सुविधा नहीं होती है तभी ट्रांसफर किया जाता है। डॉक्टर्स यहाँ उपलब्ध, मशीनरी यहाँ उपलब्ध, आईसीयू की बेड यहाँ उपलब्ध, दूसरा एम्स का कंसल्टेशन उपलब्ध। अब हम हर जिले को एक हब आगे बनाने जा रहे हैं, जिनको बड़े बड़े जो जैसे एम्स है उनसे जोड़ेंगे कि जो भी अगर कंसल्टेशन की और भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी वहाँ से लिया जा सकता है। और कोशिश है कि रायसेन में तो कर ही रहे हैं, पूरे प्रदेश में सब जगह हर जिले पे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।